नमस्कार दोस्तों, आज की लाइव स्ट्रीमिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स के द्वारा बताइए। तो दोस्तों, आज की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की लाइव जो स्ट्रीमिंग है उसका शीर्षक है कि जो ये कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर, क्या आप कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर या ट्रेडर बन सकते हैं? अगर आप नहीं बन सकते तो उसका क्या कारण है? इसके बारे में मुझे काफ़ी सारे सवाल मिलते हैं। मैं कमेंट सेक्शन के द्वारा देखता हूं कि काफ़ी दर्शक पूछते हैं कि कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग कैसे की जाए, उसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पे जो भी मेरा अपना एनालिसिस है, अपना आकलन है, उसको लेके मैं आज की लाइव स्ट्रीमिंग में आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूँगा कि आप कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर या ट्रेडर क्यों नहीं बन सकते। अब दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि मैं कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ तो क्या मैं कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर या ट्रेडर हूँ? हो सकता है आपके मन में ये सवाल भी उठे। तो उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा पब्लिक डोमेन का, आप उसको जाके चेक करिए, उसके बाद ही आप मेरी बात पर कोई यकीन करिए। दोस्तों, यहाँ पे 11 सितंबर 2019 को मैंने एक अपने ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर एक ट्वीट किया था पब्लिकली, मतलब सबको विजिबल था वो ट्वीट। उस ट्वीट के अंदर मैंने लिखा था कि यस बैंक की जो अपसाइड है वो इस समय बहुत लिमिटेड दिखाई दे रही है। तो उस समय येस बैंक जो है 72 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा था, तो काफ़ी कुछ दर्शकों ने वहाँ पर मजाक भी उड़ाया। उस समय काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा था, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसने केवल अपना 75 रुपये के आसपास का हाई बनाया और उसके बाद 3 या 4 हफ्ते के अंदर ये स्टॉक जो है 29 रुपये पे आ गया। तो जो दर्शक मुझसे पूछते हैं कि भाई आप रिवर्सल के ऊपर इतना जो है जानकारी देते हैं, ज्ञान देते हैं, कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग पे इतना ज्ञान देते हैं, तो क्या आप पता लगा सकते हैं कि कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग कब करनी है, रिवर्सल पॉइंट कहाँ पे है? तो उसका मैं एक जीता जागता एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप ट्विटर पर जाके चेक कर लीजिए, और जब आप चेक कर लेंगे तो उसके बाद आप इस लाइव स्ट्रीमिंग को देख सकते हैं। उसके बाद मैंने एक और ट्वीट किया था येस बैंक के ऊपर, जब वो 52 रुपये के आसपास था, तब मैंने एक अपडेट दिया था कि जो लोअर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर किसी ने एक बहुत बड़ी पोजीशन बनाई है, उसके बाद भी उसके अंदर एक बड़ा फॉल देखने को मिला था। तो दोस्तों, यहाँ होता क्या है कि जो सोशल मीडिया पे दुष्प्रचार होता है उसको ख़त्म करने के लिए या उसको रोकने के लिए कई बार पास्ट के एग्जांपल देने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि रिटेल निवेशकों की जो मेमोरी होती है वो काफ़ी शॉर्ट टर्म शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत कम होती है। वो सब भूल जाते हैं कि पहले किसने क्या शेयर किया है, क्या बात हुई थी, क्या लर्निंग हुई थी। तो इसलिए वो रिफ़्रेश कराते रहना चाहिए ताकि आपको याद रहे कि हम क्या क्या चर्चा करते रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अब मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि रिवर्सल पॉइंट फाइंड आउट करना भी संभव है मार्केट में। इसके अलावा कम्युनिटी टैब, जो यूट्यूब मेंबर्स के लिए कम्युनिटी टैब है, वहाँ पे मैंने बहुत बार लाइव अपडेट शेयर किए हैं जिनकी एक्यूरेसी जिसको कह लीजिए 98% तक के आसपास है, जहाँ पे मैंने आपको एग्जैक्ट रिवर्सल पॉइंट्स के आसपास कॉशन किया कि ये जो जहाँ पे इस समय मार्केट ट्रेड कर रही है वो एक रिवर्सल पॉइंट हो सकता है। तो ये एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो आपको बता रहा है क्या वो रिवर्सल पॉइंट फाइंड आउट कर सकता है, नहीं तो वो किस बेसिस के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस के ऊपर। तो केवल इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। तो अब हम जब जान चुके हैं कि हाँ, रिवर्सल पॉइंट फाइंड आउट करना भी ज़रूरी है, भी कर सकते हैं, और कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग भी संभव है, तो अब हम जान लेते हैं कि यहाँ पे जो एक आम रिटेल निवेशक है वो क्यों नहीं कर पाता या वो क्यों नहीं कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर या ट्रेडर बन पाता।
तो यहाँ सबसे पहला जो पॉइंट है वो है दोस्तों कि जब भी आप कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग के बारे में चर्चा करते हैं, वहाँ पे आप जो है एक बेसिक जो रूल है मार्केट का उसको डिफाई करते हैं, मतलब उसके अगेंस्ट जाते हैं, जो कि सबके बस की बात नहीं है। और वो जो रूल है वो ये कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, मतलब ऐसा कहा जाता है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो जब आप कोई कॉन्ट्रेरियन निवेश या कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे आप ट्रेंड के अगेंस्ट अपना व्यू लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल चेंज है आपके लिए एज ए रिटेल निवेशक, या जिसको कह लीजिए कि जो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे आपके लिए ये एक बहुत बड़ा जिसको कह लीजिए बदलाव है साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हर किसी के शायद बस की बात नहीं है। क्योंकि अगर एक ट्रेंड चल रहा है तो नॉर्मली हमें यही सिखाया जाता है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, और ट्रेंड अगर हमारा फ्रेंड है तो हम अगर उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कॉन्ट्रेरियन ट्रेड ले रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे हमारे माइंड और हार्ट के बीच में एक बहुत बड़ा टसल होगा, एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी कि क्या हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी साइकोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा जब आप कॉन्ट्रेरियन निवेश या कॉन्ट्रेरियन ट्रेड करते हैं। तो दूसरा जो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जब भी आप कॉन्ट्रेरियन निवेश या ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे आप हर्ड मेंटेलिटी के अगेंस्ट जा रहे होते हैं, जो कि जाना एक और जिसको कह लीजिए बहुत डिफ़िकल्ट काम है, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। क्योंकि ये हमारे बचपन से शुरुआत से हमें जो हमारा जो इंडियन कल्चर है उसके अंदर हम हमेशा ये मान के चलते हैं, जब से हम मतलब स्कूल में जाना शुरू हुए, कॉलेज में गए हम, कि यहाँ पे जो हर्ड मेंटेलिटी है वो बिल्कुल सही है। उसका अगर मैं उदाहरण देना चाहूँ, आप मुझे कमेंट के द्वारा भी बता सकते हैं, आप में से कितने लोगों ने 10th के बाद 11th में साइंस ली या कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम ली, क्योंकि वहाँ पे आपके सभी दोस्त जो है वो पर्टिकुलर स्ट्रीम ले रहे थे। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ 90% जो हमारे मेंबर्स हैं उन्होंने ऐसा ही किया होगा कि उनके दोस्त अगर साइंस ले रहे हैं तो उन्होंने साइंस ली, उनके दोस्त अगर मेडिकल ले रहे हैं तो उन्होंने मेडिकल ली। और यहाँ पे कितने ऐसे हमारे मेंबर्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग करी या एक डॉक्टर बने या कुछ भी किया, क्योंकि वहाँ पे सब लोग वही करना चाहते थे। नॉर्मली एक क्रेज़ होता था आईआईटी में जाने का, या जिसको कह लीजिए मतलब जो भी हमें करना था, जो भी करियर ऑप्शन हमने लेनी थी, क्योंकि वहाँ पे हम हर्ड मेंटेलिटी के साथ गए, हमें ये लगता था कि हर्ड मेंटेलिटी सेफ ऑप्शन है, हम वहाँ पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए हमने वही ऑप्शन चूज़ करी जो कि सब लोग ले रहे थे, क्योंकि हमें लगा कि सब लोग गलत नहीं हो सकते, सब लोग बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मेजॉरिटी हमेशा सही होती है। एक्चुअली ये हमारी साइकोलॉजी बचपन से है, तो इस साइकोलॉजी को भी चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप यहाँ पे कॉन्ट्रेरियन निवेश या ट्रेड करते हैं तो आपको अपनी इस साइकोलॉजी को चेंज करना है कि मेजॉरिटी हमेशा सही होती है। तो जब तक आप इस साइकोलॉजी को सही नहीं करेंगे तब तक आप वहाँ पे कॉन्ट्रेरियन निवेश या ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दिए ताकि आप इसको अपनी मतलब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो आपकी एक साइकोलॉजी, देखिए क्या होता है कि कई लोग मुझे लिखते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बताइए। भाई देखिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कोई अलग साइकोलॉजी नहीं होती, वहाँ पे हम नॉर्मली ऐसा ही बिहेव करते हैं जैसी हमारी एक डे टू डे या रूटीन साइकोलॉजी होती है, जो हमें बचपन से सिखाया गया, जो साइकोलॉजी हमारी बिल्ट की गई बचपन से, हम उसके अंदर एकदम ड्रास्टिक चेंज नहीं ला सकते। यहाँ पे हम जो है उसके अंदर एक ओवरनाइट बदलाव नहीं ला सकते, वो बदलाव धीरे धीरे आता है। तो जो हमारी हर्ड मेंटेलिटी की एक साइकोलॉजी है, जो कि शुरुआत से हमारे अंदर है, उसको चेंज कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो भाई देखिए, चलिए सवालों के जवाब हम बाद में देंगे, तो यहाँ पे
कुछ लोग आ गए हैं नेगेटिव कमेंट लेके, तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये एक दूसरा कारण है कि हम कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर या ट्रेडर क्यों नहीं बन सकते। दोस्तों, तीसरा कारण है कि यहाँ पे जब भी हम स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, चाहे किसी भी तरह का निवेश करें, पोजिशनल, इंट्राडे या स्विंग ट्रेड, वहाँ पे हम कभी रीजंस को फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करते। हम क्या है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इसके लिए जिम्मेवार है कि हम जो है, जिसको कह लीजिए, रट्टा मारने में, नॉर्मली इंडियन एजुकेशन हमें यही सिखाती है कि जो रट्टा मारने में बेस्ट है वही टॉपर है, वही बेस्ट है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम की जो कमी है वो ये कि हम रीजनिंग के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम एनालिटिक्स के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो ये हमारा बचपन से ये प्रॉब्लम है, मतलब स्टार्टिंग से, स्कूल से। आप देखेंगे कि जैसे आपने थ्री इडियट्स मूवी भी देखी, उसके अंदर एक सीन होता है जो हमारे हीरो होते हैं, उनसे टीचर पूछते हैं कि व्हाट इज़ मशीन, तो वो जवाब सही देते हैं लेकिन टीचर उसके जवाब को सही मानता है जिसने उस चीज़ का रट्टा मारा होता है या जिसने उस चीज़ को केवल याद किया हुआ है पर शायद उसको समझा नहीं। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है कि हम यहाँ पे रीजनिंग बेस्ड लर्निंग की बजाय या एनालिटिकल लर्निंग की बजाय जो रट्टा बेस्ड लर्निंग है उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं बचपन से और यही हमें सिखाया जाता है। तो भाई, ये आप बार बार किसी के बारे में लिख रहे हैं, ऐसे मत करिए, आप सबको मौका दीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो रट्टा हमारे एजुकेशन सिस्टम को में जो हमें शुरुआत से नर्सरी से सिखाया गया है, उसी की वजह से क्या है कि हम यहाँ पे किसी चीज़ के पीछे का रीज़न नहीं देते, रीजनिंग नहीं देखते वहाँ पे, या उसका एनालिटिकल एंगल नहीं देखते। और जो भी उस चीज़ को देखता है, रीजनिंग को देखता है, एनालिटिकल एंगल से देखता है, तो जो लोग मतलब अभी भी उसी ढर्रे पे काम कर रहे हैं, रट्टाफिकेशन वाले ढर्रे पे काम कर रहे हैं, उनको वो व्यक्ति बेवकूफ़ लगता है कि ये बेवकूफ़ है कि ये मतलब रीजनिंग दे रहा है। भाई, वो रीजनिंग के ऊपर कोई नहीं सोचता, लॉजिक के ऊपर कोई काम नहीं करता, एनालिटिकल उसके ऊपर कोई काम नहीं करता। हम केवल जो है, जो एक रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम है उसी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई स्टॉक या इंडेक्स ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, हम उसके पीछे का लॉजिक नहीं देखते, उसके पीछे का रीजनिंग नहीं देखते, उसके पीछे क्या वजह है, उसके पीछे क्या एनालिटिक्स है, उसके बारे में कभी भी जानने की कोशिश नहीं करते। और ये जो है, इस तरीके से स्टॉक मार्केट जो है वो एक गैम्बलिंग बन जाती है। और यहाँ पे जब हम रीजनिंग के ऊपर फोकस नहीं करते, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, इंडसइंड बैंक के ऊपर अभी एक डेढ़ महीना पहले बहुत सारे लोग बियरिश हो गए थे। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि यहाँ पे टारगेट्स दिए जा रहे थे कि 760 का टारगेट है, 800 का टारगेट है इंडसइंड बैंक का, लेकिन वहाँ पे किसी ने रीज़न नहीं देखा, किसी ने ये नहीं देखा कि ये कितना स्ट्रांग बैंक है, किसी ने ये नहीं देखा कि ये नीचे क्यों जा रहा है या वहाँ से क्यों रिवर्स हो सकता है। मैंने उस समय, मेरी वॉच लिस्ट में था इंडसइंड बैंक, कुछ हफ्ते पहले मैंने वहाँ पे ट्रेड भी लिया था। तो क्या है कि आपको जब तक रीजनिंग पावर आपकी स्ट्रांग नहीं होगी, आप कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर या ट्रेडर नहीं बन सकते, या जब तक आप लॉजिकली किसी चीज़ को सोचना नहीं शुरू करेंगे तब तक आप कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर नहीं बन सकते। भाई, ये किसी को ब्लॉक करने की बात की जा रही है, एक सेकेंड। भैया, जिस यूज़र नेम की आप बात कर रहे हैं, ये ज्वाइन ही इन्होंने सिर्फ यहाँ पे हेट करने के लिए किया हुआ है। एक सेकंड, देखते हैं कौन है। भाई, उनको मैंने ब्लॉक किया हुआ है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। भैया, आप नेगेटिव लोगों को इग्नोर करिए क्योंकि वो हमें यहाँ पे कुछ काम नहीं करने देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि जब तक हमारी लॉजिकल रीजनिंग या
एनालिटिकल जो लर्निंग है या जो सोचने की शक्ति है वो नहीं डेवलप होगी, तब तक हम कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर या ट्रेडर नहीं बन सकते। और हम यहाँ पे कभी भी ये नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये जो स्टॉक के अंदर मूव है या इंडेक्स के अंदर जो मूव है वो लॉजिकल है या इलॉजिकल है, वो स्पेक्यूलेटिव है या वो रियल है। तो जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे हम यहाँ पे कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर या ट्रेडर नहीं बन सकते। तो यहाँ पे जो अगला पॉइंट है कि हम क्यों नहीं बन सकते कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर या ट्रेडर, तो दोस्तों उसके पीछे कारण ये है कि अगर हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या हम यहाँ पे जिसको कह लीजिए स्टॉक्स में या इंडेक्स में काम करते हैं, तो यहाँ पे 98% जो लोग काम करते हैं वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। जो भी उनका डिसीजन होता है वो दूसरों के ऊपर अपना डिसीजन लेते हैं, मतलब दूसरों के बेसिस पे अपना डिसीजन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो दूसरे आपको ओपिनियन दे रहे हैं, पहली चीज़ आप ये समझिए कि जो भी दूसरे आपको ओपिनियन दे रहे हैं क्या वो किस, मतलब वो किस लिए अपना ओपिनियन दे रहे हैं, मतलब उनके उसका क्या मंशा है, उनका क्या उसके पीछे उनका क्या मकसद है, क्या मतलब वो क्यों दे रहे हैं, अपना ओपिनियन क्यों दे रहे हैं। तो पहले आपको ये जानना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए वो मतलब उनका मकसद है अपने बिजनेस इंटरेस्ट को इंक्रीज करना, या जिसको कह लीजिए कि अपने प्रोग्राम्स को बेचना, या कह लीजिए कि अपना किसी भी तरह का कोई उल्लू सीधा करना, तो वहाँ पे क्या है कि वो लोग हमेशा वैसा ही ओपिनियन देंगे जैसा लोग सुनना चाहते हैं। दोस्तों ये हमारी एक साइकोलॉजी का पार्ट है, हमें वही सुनना पसंद है जो कि हम सुनना चाहते हैं। हम कभी भी वो चीज़ नहीं सुनना चाहेंगे जो हमें सुनना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे एक मार्केटिंग की स्ट्रेटजी होती है कि मैं केवल वही चीज़ बोलूँ जो कि सबको सुननी पसंद है। तो ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, कुछ दर्शकों ने लिखा कि आपके वीडियोस पे इतने ज़्यादा व्यूज़ क्यों नहीं आते। भाई क्योंकि कारण ये है कि मैं वो नहीं बोलता जो आप सुनना पसंद करते हैं, मैं केवल वही बोलता हूँ जो सच्चाई होती है या जो मुझे दिख रहा होता है या जो लॉजिक रीजनिंग या एनालिटिक्स मुझे बता रही होती है। वो चीज़ शायद कुछ लोगों को या काफ़ी लोगों को सुननी पसंद नहीं है, इसलिए वो सुनना पसंद नहीं करते। तो क्या होता है कि मैं भी अगर आज केवल वही बातें बोलना शुरू कर दूं जो आपको सुननी पसंद है, तो डेफिनेटली हर एक वीडियो के ऊपर 50-60 हज़ार व्यूज़ आ जाएंगे एक दिन के अंदर, या अगले 10 दिन के अंदर 1 लाख व्यूज़ आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना ज़रूरी है कि क्या आप वही सुन रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं, या आप वो सुन रहे हैं जो कि सही है। तो ये निर्णय आपको लेना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यही चक्कर होता है कि जो लोग यहाँ पे कमर्शियल इंटरेस्ट के साथ हैं, या जो लोग अपने प्रोग्राम बेच रहे हैं, या जो लोग यहाँ पे किसी तरह का मतलब उनका आप मतलब आपको अपनी ट्रेनिंग के ऊपर खींचना उनका ऑब्जेक्टिव है, तो वो कभी भी अगर उनको करेक्ट व्यू पता भी होगा तो वो कभी नहीं देंगे। वो केवल आपको वही बातें बोलेंगे जो आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना या अपने व्यूज़ बढ़ाना है। तो यहाँ पे क्या है कि आप जो है क्यों नहीं कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर बन सकते, उसके पीछे यही है कि आप कभी वो चीज़ नहीं सुनना चाहेंगे जो आप सुनना पसंद नहीं करते। ये भी हमारी साइकोलॉजी का एक हिस्सा है कि हम कभी भी वो चीज़ नहीं सुनना चाहेंगे जो हमें सुनना पसंद नहीं है। लेकिन जैसे कि येस बैंक का मैंने आपको शुरुआत में पहले इसलिए एग्जाम्पल दिया ताकि आप उसको कोरिलेट कर सकें। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब येस बैंक का 72 के आसपास ट्रेड कर रहा था वो स्टॉक 11 सितंबर को, मैंने वहाँ लिखा कि अपसाइड लिमिटेड है, तो वहाँ पे मतलब नेगेटिव कमेंट्स क्यों आए, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे मेंबर्स हैं वो केवल मतलब क्योंकि वो यही सुनना चाहते थे कि ये ऊपर जाएगा। लेकिन जब उन्होंने ये सुना अरे तो और ऊपर नहीं जा सकता, तो उनके दिल को ठेस पहुँची, उनकी साइकोलॉजी को ठेस पहुँची और उन्होंने नेगेटिवली रिएक्ट किया। तो हम यहाँ पे कॉन्ट्रेरियन व्यू सुनना ही नहीं चाहते। तो ये एक कारण होता है कि इसलिए हम कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर या ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि वहाँ पे हम कॉन्ट्रेरियन व्यू सुनना ही नहीं चाहते, हम उसके पीछे के रीजनिंग को सुनना ही नहीं चाहते, उसके पीछे के लॉजिक को सुनना ही नहीं चाहते, या उसके पीछे का क्या एनालिसिस है उसको देखना ही नहीं चाहते।
तो ये एक सबसे बड़ा कारण होता है कि हम इंडिया के अंदर कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर क्यों नहीं बन सकते, और यहाँ पे हम हमेशा सेफ ऑप्शन लेके चलेंगे, जो मार्केट का व्यू है उसी के साथ, मतलब जो मेजॉरिटी व्यू है उसी के साथ चलने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो पांचवा पॉइंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पे होता क्या है कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, जो नॉइस, हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉइस से घिरे हुए हैं, इसलिए हमारे सोचने समझने की क्षमता जो है वो क्षीण हो जाती है। इसका मैं एक और आपको हमारे इंडियन फैमिली सिस्टम से एग्जाम्पल देना चाहूँगा ताकि आप उसको कोरिलेट कर पाएँ। क्या होता है कि अगर आप में से जो लोग, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि एक पर्टिकुलर फैमिली सिस्टम अच्छा है या दूसरा फैमिली सिस्टम खराब है, मैं आपको एक जनरल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ जो कि गलत भी हो सकती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आप देखेंगे कि वो ज़्यादातर, मैंने ऐसा देखा है कि जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो अपना डिसीजन नहीं ले पाते, वो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि जॉइंट फैमिली में मान लीजिए 15, 20 या 25 लोगों का एक परिवार है। अच्छी बात है, मतलब सपोर्ट सिस्टम होता है, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे अपने डिसीजन के लिए हम दूसरों पे निर्भर रहते हैं, हम कभी भी अपना डिसीजन नहीं ले पाएंगे जॉइंट फैमिली में। और ऐसे जो लोग होते हैं वो अलग रह भी नहीं सकते क्योंकि उनको डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कत होती है। आप देखेंगे किसी भी तरह का कोई वो डिसीजन नहीं ले पाते जब तक वो परिवार में बाकी सब लोगों की सलाह या राय ना ले ले, तो उनका जो डिसीजन होता है वो दूसरे लेते हैं उनके बिहाफ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो लोग इंडिपेंडेंट रहते हैं या न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, उनके पास ऐसी कोई चॉइस नहीं होती, वो अपनी सिचुएशन खुद समझते हैं और वो अपना डिसीजन खुद लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉइस जब ज़्यादा हो जाता है, जब आप बहुत सारी बातें सुनना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लोगों की बातें सुनना शुरू कर देते हैं, तो आप अपना डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि वहाँ पे आप दूसरों पे निर्भर हो जाते हैं अपने डिसीजन के लिए। आपकी जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो काफ़ी क्षीण हो जाती है। जैसे कि आप जब ज़्यादा लोगों की बात सुनेंगे, मतलब यहाँ जॉइंट फैमिली का ही नहीं, कुछ लोग होते हैं वो, मतलब उनका फ्रेंड सर्कल ऐसा होता है कि वो खुद कभी कोई डिसीजन नहीं लेते, वो आपके जो आसपास के फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं या अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं, उन सबसे, मतलब वो उन्हीं की सलाह के ऊपर चलते हैं, वो अपना डिसीजन कभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं ले पाते। तो उसी तरीके से जब यहाँ पे क्या होता है कि जब सबकी बात सुनी जाती है तो वहाँ पे क्या होता है कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ क्या किया जाए। तो वहाँ आप क्या है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होती है कि आप वहाँ कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग छोड़िए, आप ट्रेंड मतलब ट्रेंड में जो स्टॉक है या इंडेक्स है आप उसमें भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया, नॉइस बहुत ज़्यादा है, आप बहुत सारी बातें सुन रहे हैं और आप अपना निर्णय तो ले ही नहीं पाएंगे। आप यही कन्फ्यूज़ होते रहेंगे कि इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, मैंने क्या सुना, उसने क्या सुना। तो यहाँ पे आप हर ट्रेड लेना चाहेंगे, हर तरह का ट्रेड करना चाहेंगे, तो ये पूरा नॉइस जो है आपके नुकसान का एक सबसे बड़ा कारण होता है स्टॉक मार्केट में। और यही वजह होती है भैया, आप पॉलिटिकल कमेंट्स मत करिए, मुझे खुद हंसी आ रही है वो कमेंट पढ़ के, तो आप पॉलिटिकल कमेंट्स मत करिए। तो काफ़ी अच्छा कमेंट काफ़ी अच्छा था लेकिन तो क्या होता है कि जो ज्वाइंट फैमिली होती है वहाँ पे निर्णय नहीं हो पाता है, जबकि अगर आप एक सिंगल फैमिली में, न्यूक्लियर फैमिली में है, तो वहाँ पे एक ही व्यक्ति डिसीजन लेने वाला होता है और वो डिसीजन ले भी लेता है और ज़्यादातर टाइम वो सही भी होता है। लेकिन हमेशा देखिए कि जहाँ पे आप 10 लोगों की बातें सुन के डिसीजन लेंगे वो डिसीजन मोस्टली आपका गलत जाएगा। तो यहाँ पे आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। दोस्तों यहाँ पे छठा पॉइंट है कि यहाँ पे हमारे जो आम तौर की हमारी जो ज़िंदगी है उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हो गया है। मैं हमेशा आपको आगाह करता हूँ, आपको हमेशा सचेत करता हूँ कि यहाँ पे आप जो
पेड सोशल मीडिया है उससे सावधान रहें। यहाँ पे बहुत जो बातें बताई जाती हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, या जिसको कह लीजिए कि वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है, तो वहाँ पे हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं सोशल मीडिया से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करिए, और जो भी आपको जानकारी दी जा रही है, यही कारण है कि आप यहाँ कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर नहीं बन सकते, क्योंकि आप सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मतलब देंगे, और वहाँ पे क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ सोशल मीडिया जो है वो पेड सोशल मीडिया है, तो आपके व्यूज़ जो हैं वो, आपकी सोचने की जो पावर है वो सोशल मीडिया भी ख़त्म कर देती है। तो आप यहाँ पे केवल जिसको कह लीजिए क्वांटिटी पे ध्यान मत दीजिए। काफ़ी लोगों को लगता है कि हम यहाँ पे क्वांटिटी पे ध्यान देंगे तो हम यहाँ पे अच्छा कर पाएंगे स्टॉक मार्केट में। क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, आप अपना निर्णय खुद लीजिए और फिर डिसाइड करिए कि कहाँ से मुझे क्वालिटी जानकारी मिल रही है, कहाँ से एक सही पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा है, कहाँ से मुझे एक लॉजिकल बात सुनने को मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने चैनल पे देता हूँ, कहीं और से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, कोई और मीडियम हो सकता है, कोई और ट्विटर हैंडल हो सकता है, कहीं से जहाँ आपको लगे। मैं ये नहीं कह रहा आप यहीं से, हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ बातें ठीक ना लगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ से भी आपको ठीक लगे आप वहाँ पे उनकी बात सुनिए, वहाँ से कुछ लर्न कीजिए और नॉइस को कट करिए और पेड सोशल मीडिया से जो है दूर रहिए। तो दोस्तों अब यहाँ पे भी इसका, अब आप पूछ रहे हैं कि इसका क्या फायदा है कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग का, क्या फ़ायदा है भाई? अभी तो मैंने आपको शुरुआत में, लाइव स्ट्रीमिंग की शुरुआत में येस बैंक का एग्जांपल दिया है, जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो पिछले 6 महीने का सबसे ज़्यादा मुनाफा उसी ट्रेड में हुआ था। मैंने येस बैंक के अंदर शॉर्ट पोजिशन ली थी, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा जल्दी निकल गया, लेकिन मेरा काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा उसी में होता है। ये कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग का फ़ायदा है कि अगर आप पॉइंट ऑफ रिवर्सल पता लगा लें या कहाँ पे कॉन्ट्रेरियन ट्रेड लेने का सही समय है, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे सबसे ज़्यादा मुनाफा कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग में ही कमा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सातवां जो पॉइंट है कि आप कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर या ट्रेडर क्यों नहीं बन सकते, वो पॉइंट है कि यहाँ पे ज़ीरो लर्निंग के साथ लोग काम करते हैं। और मैं अपने हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब मालूम है, लेकिन आप अगर इवेल्युएट करेंगे, आप इंडिपेंडेंटली अगर काम करेंगे, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। जैसे स्कूल या कॉलेज में होता था, हम जब एग्ज़ाम देने जाते थे तो हम कितना पढ़ के जा रहे हैं, हमें खुद ही अंदाज़ा होता था कि आज के पेपर में मेरे कितने नंबर आने वाले हैं। मैं, जो दर्शक इस चैनल से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, उनको मालूम है कि केमिस्ट्री मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट होता था। तो केमिस्ट्री जब भी मैं पेपर देने जाता था तो मुझे पता होता था कि मेरे 50 से ज़्यादा नंबर नहीं आने वाले उसके अंदर, 50-55 आ जाए तो वो मेरे लिए 100 में से 100 नंबर हैं। तो क्योंकि मुझे अंदर से पता है कि मुझे कितना आता है, मैंने कितना सीखा हुआ है, या वो सब्जेक्ट मुझे कितना समझ में आया है। तो यहाँ पर आप स्टॉक मार्केट में भी किसी को धोखा मत दीजिए अपने आप को विश्वास दिला के कि हाँ मुझे सब आता है। यहाँ अपने आप पूछिए कि आपने कितना समय डिवोट किया पढ़ने में, सीखने में, आपको कितना आता है, कितना आप यहाँ पे कमा सकते हैं। हम बिना यहाँ पे सीखे, एक्सपेक्टेशन होती है कि हम यहाँ करोड़पति बन जाएं, अरबपति बन जाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। बिना सीखे आप नहीं कुछ कमा सकते यहाँ पे। इसलिए अपने आप को धोखा देना बंद करिए। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो नुकसान उठा लेते हैं, तो भाई नुकसान आप क्यों उठाते हैं? क्योंकि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप यहाँ पे एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं बिना किसी लर्निंग के, बिना किसी तैयारी के, क्योंकि आपने कोई तैयारी नहीं करी, कोई पढ़ाई नहीं करी, और आप यहाँ पे सीधा जाके एग्ज़ाम में बैठ गए, तो वहाँ पे डेफिनेटली ज़ीरो नंबर आने निश्चित हैं। तो आप धोखा किसको दे रहे हैं? आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप अपने आप को यहाँ पे एक गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। तो पहले यहाँ पे लर्न करिए, उसी के बाद आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, और लर्न करने के बाद अर्न किया जा सकता है, ये मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। तो
सर इंडिपेंडेंट करते हैं तो कॉन्फिडेंस और अपनी गलतियां पता चल जाती हैं और हम सही समय पर निकल भी जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेते हैं तो आपको अपनी गलतियां भी पता होती हैं और आप वहां पे सही समय पर निकल जाते हैं। अगर आप मान लीजिए क्या है कि किसी के भरोसे, मतलब क्या होता है कि आप किसी के भरोसे कोई ट्रेड ले रहे हैं तो वो वैसा ही हो गया कि किसी ने आपको चक्रव्यूह के बीच में छोड़ दिया। अब आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे मैंने एंट्री क्यों ली और आप वहाँ अभिमन्यु की तरह फंस जाएंगे और वहाँ आपको ये भी नहीं पता कि मुझे इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है। तो आपको अगर आपने लर्न किया हुआ है तो आपको ये भी पता है कि इस चक्रव्यूह में एंटर कैसे करना है और यहाँ से एग्जिट कैसे करना है। तो बिना लर्निंग के, जीरो लर्निंग के आप यहाँ पे पैसा नहीं कमा सकते। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये सातों पॉइंट्स मैंने प्रैक्टिकली आपको बताने की कोशिश करी कि आप कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर या ट्रेडर क्यों नहीं बन सकते और अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी खूबियां आपके अंदर होनी चाहिए, कौन से स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, वो सब आप यहाँ पे जब एक्वायर कर लेंगे, गेन कर लेंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एक बहुत अच्छे कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर या ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों एक पोमोडोरो ब्रेक लिया जाए। टू बी कॉन्ट्रेरियन शुड बी चेक ओनली फंडामेंटल। जी नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फंडामेंटल एनालिसिस इतना अच्छा काम क्यों नहीं करता। भाई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ भी जाए तो, लेकिन वहां पे अगर आप पढ़ लिख के गए हुए हैं तो आप कभी फेल नहीं होंगे, ये गारंटी है। सर व्हाट विल हैपन व्हेन एवरीवन इन स्टॉक मार्केट आर एक्सपीरियंस्ड लाइक यू, विल एनीवन मेक मनी। जी हाँ, यहाँ पे पैसा बने। देखिए क्या होता है, मैं हमेशा अमेरिकन मार्केट का एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे क्या है कि अगर सब लोग यहाँ पे लर्न करके अगर मार्केट में काम करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे मार्केट के अंदर जो मैन्यूपुलेशन है, मार्केट के अंदर जो जिसको कह लीजिए कि किसी तरह का स्पेक्यूलेशन है, हम उसको आसानी से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और हम वहाँ पे ट्रैप नहीं होंगे। जब हम वहाँ पे ट्रैप नहीं होंगे तो बड़े प्लेयर्स कभी भी हमें ट्रैप करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो होता क्या है कि जब कोई यहाँ पे बेवकूफ़ नहीं बनेगा तो वहाँ पे बड़े प्लेयर्स बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो मार्केट बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाएगी, रैशनल हो जाएगी और मतलब लॉजिक को फॉलो करेगी, रीजनिंग को फॉलो करेगी, लॉजिक को फॉलो करेगी, जिस तरीके से हमारी मार्केट शायद आज से 15-20 साल पहले होती थी, जहाँ पे लर्निंग के बेसिस के ऊपर या नॉलेज के बेसिस के ऊपर। मुझे आज भी याद है कि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता था, मेरे फादर के जो फ्रेंड्स थे वो हर रोज़ सुबह बिजनेस न्यूज़पेपर लेके काफ़ी उसके ऊपर रिसर्च करते थे, एनालिसिस करते थे स्टॉक्स के ऊपर। उन्होंने कभी भी नुकसान नहीं उठाया क्योंकि उस समय मार्केट के अंदर इस तरह की स्पेक्यूलेशंस नहीं थी। आप पुराने ज़माने में जो लोग अच्छे शेयर्स के अंदर ट्रेड करते थे, निवेश करते थे, भारतीय एयरटेल का मैं आपको एग्जाम्पल दे चुका हूँ, जब इसका IPO आया था तब मैंने इसके अंदर निवेश किया था और वहाँ पे ये मेरा एक अच्छा ट्रेड था उस समय। तो वो मतलब क्या होता है कि जब आप सोच समझ के कि आने वाले समय में क्या होगा, लर्निंग के साथ आप निवेश करेंगे, लंबी अवधि का उस समय निवेश करते थे तो अच्छा खासा रिटर्न मिलता था। लेकिन अब जो है मार्केट एक तरीके का स्पेक्यूलेशन हो गई है, स्पेक्यूलेटिव हो गई है और लॉजिक और रीजनिंग के साथ लोगों ने काम करना बंद कर दिया क्योंकि यहाँ पे ग्रीड फैक्टर ने ओवरटेक कर लिया है। तो बिना सीखे जब आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे नुकसान उठाएंगे। और मार्केट जो है वो, जैसा किसी ने एक बहुत अच्छा कमेंट लिखा कि इट विल बी अ मैच्योर मार्केट, इट विल बी अ, मतलब ये बिल्कुल सही बात है कि जब यहाँ पे सब लोग सीख के काम करेंगे तो ये मार्केट और ज़्यादा मैच्योर हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे मुर्गे जो हैं वो मिलेंगे नहीं बड़े प्लेयर्स को, किसी को ट्रैप करना बहुत मुश्किल होगा। तो मार्केट रैशनली जो है बिहेव करेगी, रैशनली काम करेगी। भाई विच DBMS यू हैव SQL सर्वर? भाई ये मेरे टेक्निकल, मैं टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ, ये मेरे टेक्निकल पर्सन को पता होगा तो मैं उनसे पूछ के आपको ज़रूर बता दूंगा।
हाउ यू वर अट्रैक्टेड टूवर्ड स्टॉक मार्केट? भाई ये एक बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब आपको फिर से देना चाहूँगा। देखिए क्या होता है कि कभी भी हमें लाइफ के अंदर, ये मैं जब जॉब कर रहा था मैं तब की बात बता रहा हूँ, मेरी हमेशा से यही फिलॉसफी रही है, हमें कभी भी लाइफ के अंदर एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप लाइफ में, कभी भी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ। अगर आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट रहेंगे तो आपको वहाँ पे जो है बहुत परेशानियाँ जो हैं झेलनी पड़ सकती हैं पर्सनल फाइनेंस में, क्योंकि क्या होता है कि आदमी की जो जिम्मेदारियाँ हैं ना वो कभी ख़त्म नहीं होती पूरी ज़िंदगी, मतलब जिसको कह लीजिए कि चिता तक जिम्मेदारियां रहती ही रहती हैं। तो अगर आप यहाँ पे एक सिंगल सोर्स पे डिपेंडेंट हैं इनकम के, तो वहाँ पे आपके साथ जो है काफ़ी परेशानियाँ हो सकती हैं। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। तो मैं जब जॉब में था तो मैंने वहाँ पे इवेल्यूएट किया कि मैं और कौन सा एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली अगर आप कभी भी इस दिशा में सोचेंगे तो हमेशा सबसे पहला जो ख्याल आपके मन में आएगा वो स्टॉक मार्केट के बारे में आएगा। तो इसी वजह से मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में देखना शुरू किया, काम करना शुरू किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम उस समय क्रिएट करना था। मैं जॉब कर रहा था तो मुझे एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना था। और अभी कुछ समय पहले, लगभग 6-7 महीने पहले, मैंने एक लाइव स्ट्रीमिंग में बताया था कि अभी आजकल जो, या मतलब पिछले कुछ समय से जो मैं फोकस कर रहा हूँ, मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि मेरे 3 या 4 सोर्स होने चाहिए इनकम के, कभी भी एक सोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक सोर्स कब काम करना बंद कर दे आज के जिसको कह लीजिए कि जो अनसर्टन एनवायरनमेंट है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे कौन सा सोर्स कब काम करना बंद कर दे वो कोई कह नहीं सकता। इसलिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। अगर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगे तो आप एक पीस ऑफ माइंड से रहेंगे, आपको वहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि अगर मान लीजिए एक सोर्स अगर आपको बंद करना पड़े या आपका उसमें मन नहीं लग रहा, तो आप दूसरे सोर्स को अपना प्राइमरी सोर्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमेशा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर फोकस करिए, तभी आप यहाँ पे अपना जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत कर पाएंगे। भैया मार्केट कौन सा आपके अगेंस्ट चली गई, मुझे ये नहीं समझ में आता। जो ये आपको क्या है कि देखिए, फिर आप नॉइस को जब तक कट नहीं करेंगे ना, भाई मार्केट क्या है कि अभी कहाँ पे चली गई, मतलब 13,000 आ गई, 14,000, 15,000 या 17,000-20,000 पहुँच गई, मार्केट कहाँ चली गई? जो आपको लगता है कि मार्केट में, अभी इसका हम जवाब देंगे, आप निफ्टी व्यू में भी उसका जवाब देख सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा रैशनल होके सोचिए। यहाँ पे इंडेक्स मैनेजमेंट, देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जो दुष्प्रचार होता है सोशल मीडिया पे, उसके ऊपर मत जाइए। यहाँ जो एक दुष्प्रचार किया जा रहा है जो कि खास तौर पे हमारे चैनल के बारे में, उसके बारे में मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाहूँगा कि यहाँ पे जिन लोगों को पूरी जानकारी नहीं है, देखिए उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पिछले अक्टूबर के अंदर यहाँ पे 15 या 16 अक्टूबर को मैंने एक पोस्ट डाला था कि टेक्निकली उस समय मार्केट वीक थी, लेकिन इंडेक्स मैनेजमेंट पॉसिबल है। और उस समय मार्केट जो थी वो 11,200 या 300 के आसपास थी। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि 11,200 के आसपास थी मार्केट, और वहाँ पे वो पोस्ट मैं ट्विटर पे भी डालूँगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के चक्कर में इस पॉइंट का बहुत गलत दुष्प्रचार कर रहे हैं, और जो मतलब हमारी चुप्पी है उसका एक गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, और लोगों के अंदर गलत जो है भ्रांति मतलब उनके मन में डाल रहे हैं। तो 11,200 के आसपास थी मार्केट, जहाँ पे इंडेक्स मैनेजमेंट के बारे में मैंने एडवांस में एक पोस्ट डाला था कम्युनिटी टैब पे कि इंडेक्स मैनेजमेंट संभव है। नॉर्मली इंडेक्स मैनेजमेंट की रेंज जो है वो 300, 400 या 500 पॉइंट तक रहती है, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। तो 11,200 से अगर 400, 500 पॉइंट तक एक एक्सपेक्टेड होता है कि इंडेक्स मैनेजमेंट होगा,
तो वो 11,700 तक आनी चाहिए थी। उसके ऊपर अगर 400, 300, 400 पॉइंट मार्केट और ऊपर आ गई, इंडेक्स मैनेजमेंट बंद नहीं हुआ, तो भैया यहाँ कौन सा इतनी बड़ी रैली शुरू होगी? जो लोग मई 2019 में एक बहुत बड़ी रैली करवा रहे थे मार्केट के अंदर, एक बहुत बड़ा बुल रन आने वाला है, भैया कहाँ पे है वो बुल रन? मार्केट 12,000 पे मई 2019 में भी थी, आज भी अभी वहीं खड़ी हुई है। तो ऐसा कौन सा बड़ा बुल रन शुरू हो गया जो कि मार्केट के अंदर सारे एनालिसिस फेल हो गए? यहाँ पे इंडेक्स मैनेजमेंट 500 पॉइंट की जगह 800-900 पॉइंट हो गई। तो भैया उतना आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है और उतना आप नहीं समझ पाते, तो वहाँ पे आप जो है स्टॉक मार्केट को पहले सीखिए। और जो ये इस तरह के स्पेक्युलेटिव मूव्स होते हैं, उसके अंदर जो स्पेक्युलेटिव मूव्स होते हैं उनको पता लगा पाना कि इनका क्या मोमेंटम है, कितना मोमेंटम है, वो आप केवल एक बैक टेस्टिंग से आइडिया लगा सकते हैं, उसका एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते। तो इसलिए आप जो है, देखिए मेरा क्या है कि मुझे मैं ज़्यादा मार्केटिंग करने में विश्वास नहीं करता कि भाई हाँ मैंने ऐसा कहा था, मैंने वैसा कहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो मुझे शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोगों के मन में कुछ गलत गलत धारणाएं कुछ लोग फैला रहे हैं, उनके माइंड को डेविएट कर रहे हैं, उनके माइंड को जो है एक गलत तरीके से मोल्ड कर रहे हैं अपने प्रोग्राम्स को बेचने के लिए, या अपने जिसको कह लीजिए कि अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए। तो ये क्लैरिफिकेशन देनी भी ज़रूरी है। मैं अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा था क्योंकि मुझे लगा कि आप सभी पोस्ट पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आपको ये सब चीज़ें सीखनी समझनी ज़रूरी है। सर प्लीज़ टेल अबाउट ऑप्शंस मैक्स पेन एंड वॉलेटिलिटी स्क्यू एंड हाउ इट्स हेल्पिंग ट्रेडिंग। भाई देखिए मैक्स पेन जो है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं है, और वॉलेटिलिटी स्क्यू के बारे में मैं एक आने वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। भाई देखिए यहाँ पे क्या है कि मई 2019 में मार्केट 12,000 थी, आज भी अभी वहीं पे है। जो अगर मई 2019 में मैं बोल रहा था कि एक बहुत बड़ा बुल रन शुरू हो रहा है या मार्केट में एक बहुत बड़ा तेज़ी आने वाली है, तो भैया ये तेज़ी कहाँ पे है? अभी वो मार्केट 14-15,000 या 16-15,000, 13,000, 14,000 पे भी होती तो मैं मान लेता। तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले इतना बड़ा आपको जो है एक इन्फॉर्मेशन दी कि मार्केट में नॉइस को कट करिए और यहाँ पे मार्केटिंग से दूर रहिए, मार्केटिंग के ऊपर फोकस मत करिए। हो सकता है कि क्या होता है कि जो दिखता है वो बिकता है, जो मार्केट अच्छी कर लेता है वो अपना प्रोग्राम अच्छे से बेच लेगा। तो आपको मार्केटिंग से दूर रहना है, आपको लर्निंग पे फोकस करना है, ना कि मार्केटिंग पे। आपको ये डिसाइड करना है कि आप यहाँ पे लर्निंग के लिए आए हुए हैं या मार्केटिंग से इन्फ्लुएंस होने के लिए। तो अगर आप मार्केटिंग से इन्फ्लुएंस होने के लिए आए हैं तो आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लर्निंग के लिए आए हैं तो यहाँ पे आप लॉजिक के साथ, रीजनिंग के साथ समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो दोस्तों अब हम सवाल जवाब के ऊपर चलते हैं। पहला सवाल है, इज देर एनी कोरिलेशन ऑफ लास्ट आवर ऑफ ट्रेडिंग टुडे टू नेक्स्ट डे 1 आवर ट्रेडिंग ऑफ अ स्टॉक? इफ यस हाउ प्लीज गाइड। भाई देखिए यहाँ पे मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा कि ये थंब रूल है, लेकिन 80-90% केसेस में मैंने पाया है कि जो लास्ट के 45 मिनट्स में मूवमेंट होती है किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में, अगर कोई न्यूज नहीं आती मार्केट बंद होने के बाद, तो वो मोमेंटम जो है अगले दिन ओपनिंग के समय कायम रहता है। मैं फिर क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि अगले दिन वो मोमेंटम कायम रहता है, प्रोवाइडेड वहां पे कोई न्यूज नहीं आई। ये 80% जो है मेरे हिसाब से एक्यूरेट काम करता है। तो अगर आप BTST करते हैं तो नॉर्मली अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी स्टॉक में या इंडेक्स में कोई न्यूज नहीं आ सकती, तो डेफिनेटली मैंने इसको बैक टेस्ट भी करने की कोशिश करी, तो 80% सफलता के साथ इसको बैक टेस्ट किया। नॉर्मली यहाँ पे हॉट स्टॉक से दूर रहिए, जो स्टॉक्स हॉट नहीं है वहाँ पे जो लास्ट के 45 मिनट्स के अंदर मूवमेंट है, अगर कोई मोमेंटम है,
इन ऑल प्रोबेबिलिटी 80% प्रोबेबिलिटी के साथ मैं आपको कह सकता हूं कि वो मोमेंटम अगले दिन ओपनिंग में भी रहेगा, बरकरार रहेगा कम से कम 40 मिनट से एक घंटे तक। तो वो एक अच्छी BTST या STBT स्ट्रेटेजी हो सकती है। मान लीजिए लास्ट के 40-45 मिनट मोमेंटम बियरिश है, तो वहाँ पे अगर शॉर्ट पोजीशन ले ली जाए तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी 80% केसेस के अंदर वो नेगेटिव मोमेंटम अगले दिन ओपनिंग के समय भी कायम रहेगा विद 80% सक्सेस रेशो। तो इसको आप जाके एक बार चेक भी कर सकते हैं। भाई यहाँ पे अगला सवाल है कि ये सवाल अब बड़ा अच्छा सवाल है, देखिएगा इसको। आई एग्री ऑन ऑल द डेटा एंड लॉजिक प्रोवाइडेड बाई यू। आई एम एन इन्वेस्टर एंड एज पर डेटा एंड व्यूज विच आई एग्री, आई हैव बीन सिटिंग ऑन माई कैश पोस्ट रिडम्पशन फॉर लास्ट 7 months और सो। इट सीम्स मार्केट इज डिस्काउंटिंग ऑल द नेगेटिविटी एंड पॉइज्ड फॉर अ ब्रेकआउट। प्लीज एडवाइस फॉर अस हु आर इन्वेस्टर्स एंड नॉट ट्रेडर्स वेयर टू इन्वेस्ट व्हेन एंड हाउ। भाई यहाँ पे पहली चीज जो आपने लिखी है कि आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में ब्रेकआउट होने वाला है, तो भाई ये ब्रेकआउट आपको क्यों लग रहा है, कि ये ब्रेकआउट किस लिए होने वाला है? तो पहले आप उस चीज़ का अपने आप को जवाब दीजिए कि आपको क्यों लग रहा है ब्रेकआउट होने वाला है। अगर उसके पीछे कोई रीजनिंग है, कोई लॉजिक है, कोई एनालिसिस है, कोई डेटा पॉइंट है, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे अपने कैश के ऊपर आइडियल मत बैठिए, आप वहाँ पे निवेश कर लीजिए। और आप जब निवेश करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि जब मार्केट में ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप मेरे ओपिनियन का इंतज़ार मत करिए। यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ आप अपना एनालिसिस खुद करिए, आप मेरे ओपिनियन का क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में ब्रेकआउट होने वाला है, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे निवेश कर दीजिए अपना सारा पैसा अपने एनालिसिस के बेसिस के ऊपर। नो क्वेश्चंस टुडे सर, जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर ऑल द एफर्ट्स यू टेक टू एजुकेट अस। जी बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर शेखर आपके सुपर चैट कॉन्ट्रीब्यूशन का और आपके काइंड कमेंट का। आई चेक्ड लास्ट वीक सर एंड रिजल्ट इज गुड। जी हाँ, मैं आपको, ये आप शायद उसी की ही बात कर रहे हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। मोमेंटम कायम रहता है प्रोवाइडेड वहां पे कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आनी चाहिए। भाई गवर्नमेंट कुड अनाउंस समथिंग गुड, क्या मतलब? देखिए क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा भी तो होना चाहिए ना। अभी आप क्या है कि अगर कोई फाइनेंशियल स्टिमुलस आने वाला है, अभी आज मैंने एक ट्वीट किया था कि फ्राइडे को एक र्यूमर था कि कोई फाइनेंशियल स्टिमुलस आ सकता है, लेकिन आपको पहले सारी खबरों की, देखिए क्या होता है कि हम वही सुनना चाहते हैं जो हम सुनना पसंद करते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट के पास मतलब जो GST का कलेक्शन वो कम है, और अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कुछ स्टेट्स ने कंसर्न रेज किया है कि उनको उनका GST का शेयर अभी तक नहीं मिला। तो यहाँ पे आपको देखना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट अगर यहाँ पे फाइनेंशियल स्टिमुलस लाती भी है तो वो पैसा कहाँ से आएगा। भाई यहाँ पे गवर्नमेंट के पास कोई मनी प्लांट तो लगा नहीं हुआ कि भाई अपना मनी प्लांट से कुछ पौधे तोड़े और सबको बांट दिए। भाई यहाँ पे ये सारी बातें जो हो रही हैं कि पर्सनल टैक्स रेट में कटौती होगी, उसके बाद फाइनेंशियल स्टिमुलस आएगा, भाई इन सब के लिए पैसा चाहिए होता है। वो पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा वो पैसा? अगर इनकम टैक्स रेट कम कर दिए जाए तो वहाँ भी नुकसान है, पर्सनल जो कॉरपोरेट टैक्स रेट कट किए गए वहाँ भी नुकसान। तो भैया ये पैसा आएगा कहाँ से? पहली चीज़, अगर आपको लगता है कि कुछ बड़ा होने, भाई वहाँ पे पैसा कहाँ से आएगा पहले ये बताइए कि पैसे का सोर्स कहाँ है, कौन देगा वो पैसा? जब आपके पास, फिर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पहले रीजनिंग के साथ काम करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बुलिश हैं कि ये फाइनेंशियल स्टिमुलस आएगा या यहाँ पे पर्सनल इनकम टैक्स रेट के रेट कट हो जाए, भाई वहाँ पे जो पैसा जाएगा मतलब जो मनी का जो सोर्स है वो कम होगा। ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट जो है फर्स्ट हाफ के अंदर 100% से ज़्यादा हो चुका है, तो भैया ये पैसा आएगा कहाँ से? पहले कभी आपने ये सोचा है लाइफ में कि भाई ये पैसा आएगा कहाँ से? जब आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि ये पैसा आएगा कहाँ से, तब आप वहाँ पे ये सब बातें सोचे तो समझ में आता है। तो केवल ब्लाइंडली न्यूज़ के ऊपर फॉलो मत करिए, मीडिया को फॉलो मत करिए। यहाँ पर मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि 5W और 1H के बारे में सोचे। भाई वो फिर एक और जवाब आ गया, डिसइन्वेस्टमेंट इन PSU। भी कौन से PSU का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है? अभी आपको ब्लॉक करने की पहले बात की जा रही थी।
भाई ये डिसइन्वेस्टमेंट कहाँ पे हुआ है, किसका हुआ है, किसने पैसा दिया है, कौन बिका है, कुछ बताइए तो सही। यहाँ पे ये सिर्फ चर्चा है, यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट तो अभी हुआ नहीं यहाँ पे। भैया जब हो जाए ना तब आप बात करिए, अभी क्या है कि ये सब स्पेक्युलेशंस हैं, ये सब स्पेक्युलेशंस हैं। अभी बीच में एक अफवाहें उड़ रही थी, BPSL का स्टॉक एकदम रॉकेट बन गया कि रिलायंस उसको खरीद रहा है, फिर कहीं से अफवाह आई कि वो आराम को ARAMCO कौन सी जो सऊदी अरेबिया की कंपनी है वो खरीद रही है, फिर कोई खरीद रहा है, कोई खरीद रहा है, भाई कौन खरीद रहा है। फिर बीच में आया एयर इंडिया को कोई खरीद रहा है, भी कतर एयरलाइंस ने एक बता बोला कि भी नहीं हम तो एयर इंडिया को नहीं खरीद रहे। भाई वो डिसइन्वेस्टमेंट जो है वहाँ पे बायर होना चाहिए। देखिए क्या होता है कि उसके पीछे के कारण मैं आपको एक लाइव स्ट्रीमिंग में बता चुका हूँ कि ये जो कंपनी लेने में कोई दिक्कत नहीं है, BPCL को बहुत सारे कंपनीज खरीद सकते हैं, लेकिन उनकी जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो उसकी इतनी बड़ी वर्क फोर्स है, वो सबसे बड़ी सरदर्दी है किसी भी बायर के लिए। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वहां पे, मतलब मुझे गलत मत लीजिएगा, लेकिन वहां पे क्या है कि ओवर स्टाफ्ड हैं ये सब कंपनीज जो हैं, ये ओवर स्टाफ्ड हैं। तो यहाँ पे लेबर जो लॉज हैं इंडिया में, जब तक वो रिलैक्स नहीं होते तब तक मतलब जब तक लेबर लॉज रिलैक्स नहीं होते तब तक शायद कोई कंपनी ना ले, क्योंकि उनको भी अब बीच में एक न्यूज़ आई थी कि एयर इंडिया के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको केवल 1 साल की जॉब गारंटी दी जाएगी, तो वहाँ पे फिर एक नया जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आप समझिए यहाँ पे कौन सी, अगर आपकी कंपनी है आप ऐसी कंपनी को खरीदेंगे जहाँ पे इतनी बड़े इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे उनको कैसे उनकी छटनी की जाएगी, कैसे उनको हैंडल किया जाएगा, आपको उस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, तो कोई भी कंपनी वहाँ पे बाइंग नहीं करेगी। भैया आप जब भी किसी लाइव स्ट्रीमिंग में आए पहले बाजार मूवी देख के आया कीजिए, किसी ने यहाँ सही लिखा है कि बाजार मूवी देखो फिर से, तो भैया आप बाजार मूवी एक बार फिर से देख के आएंगे तो। तो दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल है कि आई हैव सीन योर फ्यूचर प्राइस वीडियो, इन दैट वीडियो यू हैव सेड दैट इफ एनी डिविडेंड इज अनाउंस्ड द फ्यूचर प्राइस विल बी लेस देन द स्पॉट प्राइस, इन जुबिलेंट फूड नो डिविडेंड इज अनाउंस देन ऑल्सो द फ्यूचर प्राइस इज लेस देन स्पॉट प्राइस। भाई देखिए यहाँ पे ये भी, अब मैं आपको एक और इसका रिवर्स एग्जाम्पल देना चाहूँगा, ऐसा ही कुछ सिनेरियो IOC के केस में था, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के केस में था, मुझे याद है 5 या 6 महीने, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं, लेकिन ये कुछ समय पहले की बात है। वहाँ पे जो आपका फ्यूचर प्राइस है वो स्पॉट प्राइस से नीचे था और वहाँ पे बाद में डिविडेंड अनाउंस किया गया था, तो ये जो है ये मतलब हो सकता है कि वहाँ डिविडेंड अनाउंस किया जाने वाला हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर वहाँ पे फ्यूचर का प्राइस डिस्काउंट पे चल रहा है तो वो एक बियरिश सेंटिमेंट भी हो सकता है, ये एक डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे लागू हो सकता है। तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी संभावना हो सकती है, या तो डिविडेंड अनाउंस होने वाला होगा या यहाँ पे एक बियरिश सेंटिमेंट इस स्टॉक के अंदर हो सकता है। भाई द बिग शॉट मैंने देखी हुई है ये मूवी, और काफ़ी अच्छी मूवी है जो आपने सजेस्ट की है। भी देखिए यहाँ 2020 का मार्केट व्यू देने का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। मैंने आपको पहले ही कहा था मैं एक आपको व्यू दे दूँ 2020 का, जहाँ पे मैं आपको दोनों तरफ की बातें बता दूँ कि मार्केट मैं जैसे कि बोल दूँ कि शॉर्ट टर्म में बियरिश है लॉन्ग टर्म में बुलिश है, तो मार्केट कहीं भी जाए या शॉर्ट टर्म में बियरिश है लॉन्ग टर्म में बुलिश है, तो भाई ये सब जो है ये केवल व्यूज़ पाने के लिए मैं कोई वीडियो शेयर नहीं करता। यहाँ पे क्या है कि मैं कुछ भी आपको व्यू दे दूँ, लेकिन आज की डेट में मार्केट इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल है और वहाँ पे आपको मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के साथ देखना है कि मार्केट किस तरीके से काम कर रही है, तो यहाँ पे 1 साल का व्यू का कोई मतलब नहीं होता। केवल व्यूज़ पाने के लिए मैं कोई वीडियो नहीं बनाता, मेरा वीडियो जो होता है वो एक लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो 2020 का जो व्यू है मार्केट में, जो इस समय व्यू चल रहा है या शॉर्ट टर्म में व्यू है,
वहाँ पे हम उसी के ऊपर अब मतलब बीच में कुछ दर्शकों ने लिखा कि पिछले जो 2019 के अंदर किसी ने मुझे कहा कि इस साल जो है साल के एंड में एक बहुत बड़ी करेक्शन आएगी और शुरुआत में जो है एक पहले करेक्शन आएगी, बीच में ऊपर जाएगा, साल के एंड में फिर करेक्शन आएगी। भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सब कोई ज्योतिषी का कार्य होता है। आज की डेट में ऐसा कौन सा डेटा पॉइंट है जो आपको ये बताएगा कि अक्टूबर 2020 में मार्केट में क्या होने वाला है? आप मुझे डेटा के ऊपर बात करिए, फैक्ट्स के ऊपर बात करिए, फिगर्स के ऊपर बात करिए। ये जो डेटा अवेलेबल है ये अगले कुछ महीनों का अवेलेबल है, हम अगले कुछ महीनों के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन नवंबर 2020 की ऑप्शन चेन किस तरीके से बनेगी उसके बारे में तो केवल ज्योतिषी बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम केवल फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। भाई यूएस चाइना ट्रेड डील जो है ये कुत्ते बिल्ली का जो खेल होता है वैसा चल रहा है वहाँ पे। अभी इसके बारे में कुछ न्यूज़ आ रही है कि कुछ फर्स्ट फेज हो गया है, फर्स्ट राउंड हो गया है, क्या हुआ है, कुछ उसकी अनाउंसमेंट क्या है। ये देखिए क्या होता है कि अभी यूएस में भी अगले साल इलेक्शन है, वहाँ पे भी प्रेसिडेंट को दोबारा जीतना है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इकॉनमी उनके हाथ में नहीं है तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो उनके हाथ में रहती है कि भी वहाँ पे सेंटिमेंट्स को पॉजिटिव करके स्टॉक मार्केट को ऊपर रखा जा सकता है। तो मैं आपको यूएस चाइना ट्रेड डील इंडिया के लिए उसका क्या इम्पैक्ट है वो ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अगर ये ट्रेड डील हो जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए ये एक अच्छी खबर नहीं होगी। मेरा वही स्टैंड है जो मैंने उस लाइव स्ट्रीमिंग में बताया था, अगर ये ट्रेड डील नहीं होती तो वो इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है। सूर्य ग्रहण के स्टॉक्स है। भाई ब्रेक्सिट का मुझे ये नहीं समझ में आता कि अभी तक मतलब क्या है कि थर्सडे तक ग्लोबल मार्केट का इंडियन मार्केट पे कोई इंपैक्ट नहीं था, एकदम थर्सडे के बाद ग्लोबल मार्केट का इंडियन मार्केट पे इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट हो गया कि सभी न्यूज़ में यही आ रहा है कि ग्लोबल क्यूज़ की वजह से इंडियन मार्केट ऊपर गई। भाई जहाँ पे कोई कारण नहीं मिलता वहाँ पे ऊपर जाने का कारण ग्लोबल क्यूज़ हो जाते हैं, जहाँ पे कोई कारण नहीं मिलता वहाँ मार्केट नीचे जाने का कारण प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है। तो भैया यहाँ पे अपना आप मतलब एनालिसिस करिए। और अभिजीत मंडल जी बहुत बहुत शुक्रिया सुपर स्टिकर के लिए, थैंक यू, आपका मैसेज है, बहुत बहुत शुक्रिया। निफ्टी 8,000 से 16,000, जी हाँ बिल्कुल सही, निफ्टी 8,000 से 16,000। ड्यू टू क्रिसमस हॉलीडेज आई रेड दैट FIIs आर एबसेंट दीज डेज फ्रॉम मार्केट। भी नॉर्मली ऐसा होता है कि वहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट में एक्टिव नहीं रहते जो ये समय होता है लास्ट के जो 2 या 3 हफ्ते होते हैं और दिसंबर के। भाई स्मॉल और मिड कैप कब चलेगा? भाई मैं आपको इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि स्मॉल और मिड कैप पहले, भैया जो आप साइकिल चल रही है आप पहले वो साइकिल देखिए कि पहले स्मॉल कैप में करेक्शन हुआ फिर मिड कैप में, अभी तक लार्ज कैप में तो करेक्शन हुआ ही नहीं, तो स्मॉल और मिड कैप चलने की कोई संभावना? और मैंने अभी एक वीडियो शेयर किया था जहाँ पे मैंने आपके साथ म्यूचुअल फंड का डेटा शेयर किया था, तो वहाँ पे स्मॉल और मिड कैप फंड से पैसे निकाले जा रहे हैं तो वो कैसे चलेगा, कहाँ पे कैसे होगा? तो ये सब आप डेटा पॉइंट्स के ऊपर बात करिए। भाई FIIs ने इस महीने जो डेरिवेटिव सेगमेंट है उसके अंदर लगभग 28,000 करोड़ उन्होंने अपना पैसा निकाला है। तो अभी जो निफ्टी सेटअप का वीडियो मैं थोड़ी देर में लाइव करूँगा वहाँ पे मैंने इसके बारे में बताया भी हुआ है आपको, तो यहाँ पे आपको देखना ज़रूरी है कि पैसा कहाँ से निकाला जा रहा है।
तो डेरिवेटिव सेगमेंट में 28,000 करोड़, और जबकि अक्टूबर के महीने में भी मैंने आपको बताया था उन्होंने 42,000 करोड़ निकाला है पैसा। तो यहाँ पे वो लोग बहुत स्मार्टली अपना पैसा निकाल रहे हैं मार्केट से। अरे भैया मार्केट, चलिए एक इसका जवाब फिर से मैं दे देता हूँ, मार्केट ऑल टाइम हाई क्यों है, यहाँ पे मार्केट में ब्रेकआउट हो सकता है। भैया देखिए क्या होता है कि मार्केट में जब भी कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है ना, वो एक ब्रॉड रैली होती है, वहाँ पे केवल चुनिंदा स्टॉक्स की वजह से नहीं होता। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको ये देखना ज़रूरी है कि यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट क्या कर रही है, एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो कितना है। ये एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, ये डेटा रेडिली अवेलेबल है NSE की वेबसाइट पे, आप उस डेटा को जाके देखिए कि क्या मार्केट ब्रॉड रैली है या कुछ स्टॉक्स जो है मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहले आप इन सब चीज़ों को समझिए कि ब्रॉड रैली है या मार्केट के अंदर एक नैरो जो है कुछ स्टॉक्स चुनिंदा, और यहाँ पे कौन सा ऐसा ब्रेकआउट हो गया या कौन सा निफ्टी अभी भी एक बहुत नैरो रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है 100-200 पॉइंट की। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करिए, तभी आपको इन सब बातों की क्लैरिटी मिलेगी। भाई मार्केट क्या बजट को डिस्काउंट कर रही है, एक ये सवाल भी मुझे काफ़ी बार देखने को मिला। भाई देखिए यहाँ क्या होता है कि पहले तो इतनी सारी बैड न्यूज़ को डिस्काउंट कर दिया, अब बजट को भी पहले उनके ऊपर तो रिएक्शन देने दीजिए, उसके बाद मार्केट बजट के ऊपर रिएक्शन देगी। अभी वो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आया, GDP का डेटा आया, SBI में इतनी बड़ी NPS की न्यूज़ आई, मतलब ये तो वैसा ही हो गया जैसे गैम्बलर मूवी थी कि वहाँ पे भाई वो हिंदी मूवी के जो हीरोज़ होते हैं वहाँ पे गोलियाँ लग रही हैं, 10 गोलियाँ लग गई तब भी जिंदा हो गए। तो वो भैया स्टॉक मार्केट में भी वैसा ही कुछ हो रहा है, बॉलीवुड स्टाइल ड्रामा चल रहा है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं होता, मार्केट को रिएक्ट करना होता है। और ये जो सवाल है ये बहुत बार पास्ट में भी पूछे गए हैं, तो मैंने आपको येस बैंक का एग्जाम्पल दिया जब वो 72 के आसपास था। तो भैया यहाँ पे क्या होता है कि आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, उस समय सब लोग बुलिश थे येस बैंक के ऊपर, और मैंने वहाँ पे ट्वीट किया था, आपने अभी तक हो सकता है कि मैंने इस लाइव स्ट्रीमिंग की शुरुआत में बताया था, आपने वो ट्वीट चेक कर लिया होगा, मैं फिर से उसको रीट्वीट कर दूंगा कल सुबह ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पे किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। ये अगर आप नए निवेशक हैं तो आप पहले सबसे पहले इंट्राडे में मत आइए, पहले आप स्विंग ट्रेडिंग या एक शॉर्ट टर्म का ट्रेड करिए और पहले सीखिए, पहले पेपर ट्रेड करिए। और इंडिकेटर्स जो है, मैं मेरे जो रिलायबल इंडिकेटर्स जैसे कि दो स्ट्रेटजीज जो कि काफ़ी दर्शक लिखते हैं काफ़ी रिलायबल है और मेरे हिसाब से भी काफ़ी रिलायबल हैं, 5-8-13 की स्ट्रेटजी है, एक एनेशी स्टॉकिस्टिक RSI की स्ट्रेटजी है। इसके अलावा मैंने एक वीडियो शेयर किया था, मेरे 7 बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, आप उनको जाके देख सकते हैं। अगर आप मार्केट में नए हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, और आप सारे वीडियोस जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे मार्केट के बारे में समझ आना शुरू हो जाएगा। ये कोई सास बहू का सीरियल नहीं चल रहा कि कोई एक बार मरने के बाद फिर 100 बार जिंदा हो जाए, तो ऐसा नहीं होता, यहाँ मार्केट रिएक्ट करती है। तो दोस्तों 10:30 बज चुके हैं, उम्मीद करता हूँ कि अगला हफ्ता आपके लिए स्टॉक मार्केट में काफ़ी मुनाफे वाला होगा। आज की लाइव स्ट्रीमिंग आपको पसंद आई तो इस लाइव स्ट्रीमिंग को लाइक ज़रूर करिए ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपको कौन से विषयों के ऊपर वीडियोस देखने पसंद है, कौन से वीडियोस आपको पसंद नहीं आते। और इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था, यहाँ पे मेरी आपको कोई भी सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक इंडेक्स में बाय सेल होल्ड की पोजीशन बनाएं।
कोई भी निवेश करने से पहले, ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें, केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह की निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। तो दोस्तों, आज की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे बुधवार रात को 9:30 बजे एक नई लाइव स्ट्रीमिंग में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और मार्केट के बारे में सीखते रहें। तो दोस्तों, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।